व्हाट्स गुड एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिमांशु हेयर। तो आज की वीडियो में मैं एक नया शू लेके आया हूँ एक नए इंस्टाग्राम पेज से। ये जो शू है ये मैंने ख़रीदा है स्वैगर हब पेज से। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। और ये मैंने शू ख़रीदा है 2800 का। ये है एयर जॉर्डन 4 ऑफ वाइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहता हूँ। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर हाँ अगर आप रीडिंग के शौकीन हो तो आप कुछ बुक्स मैं आपको जो बता रहा हूँ आप पढ़ सकते हो। जैसे जो पहली बुक है ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये है एट द फीट ऑफ द मास्टर बाय जे कृष्णमूर्ति। बहुत ही पतली सी बुक है ये, थोड़ा प्राइजी साइट में है ये, अमेजोन में आपको मिल जाएगी। 600-700 की बुक है और टेक्स्ट भी काफ़ी छोटा सा है, पर इसमें इतना कुछ दिया हुआ है आपको और बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है हर चीज़ की। बहुत ही छोटे छोटे से टेक्स्ट हैं इसके। आप चाहो इसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, पर अगर आप ढंग से इसको पढ़ोगे तो आपको इसको ख़त्म करने में महीना लग जाएगा। काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे ये। और अगर आप फिज़िक्स के इंटरेस्ट हो, आप मतलब आप में अगर फिज़िक्स का इंटरेस्ट है तो आप स्टीफन हॉकिंग्स की ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जितने भी अगर आपके डाउट्स हैं ब्लैक होल से रिलेटेड या फिर टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, तो इसमें काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से लिखी हुई बुक है। और अगर आप फिक्शन के शौकीन हो, मुझे फिक्शन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुराकामी की है ये, काफ्का ऑन द शोर, हारुकी मुराकामी की। काफ़ी मोटी बुक है और ये बुक भी आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। सारी बुक्स आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगी, तो आप ये पढ़ सकते हो। अच्छी बुक है ये भी, पुरानी बुक है पर अच्छी बुक है। और अगर आप लैंग्वेज के शौकीन हो, मतलब अगर आप चाहते हो लैंग्वेज सीखना किसी भी रीज़न से, जैसे मैं संस्कृत सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़े बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिसके बारे में लोग भूलने लगे हैं, काफ़ी सारे लोग भूल चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, तो इसलिए उन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी संस्कृत सीखूँ और उनको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूँ। तो ये आप ख़रीद सकते हो, संस्कृत स्वयं शिक्षक बाय श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ईजी है। अगर आप रिलीजियसली इसको पढ़ोगे तो आप 3 महीने में अच्छे से आप संस्कृत बोलना और लिखना सीख जाओगे। और ये बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक लगी मुझे। और स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड थोड़ी सी एक और बुक है, मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ इसको। तो ये है स्वामी रामा की लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। ये भी बहुत बढ़िया बुक है, अगर आप थोड़ा ओपन माइंड होके थोड़ा इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी नई चीज़ों का पता लगेगा कि क्या चल रहा था दुनिया में, क्या चल रहा है और क्या चलेगा। तो इसके पढ़ने के बाद आपका दिमाग खुलेगा और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग सच में ही खोल के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको लगेगा सारी चीज़ें बकवास लिखी हुई हैं। पर हाँ, मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था, पर ठीक है, अच्छी बुक है। और एक लास्ट बुक मैं आपको और सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये बुक है द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस बाय जय कृष्णमूर्ति। मुझे नहीं पता कि मैंने ये बुक क्यों ख़रीदी थी, पर मैंने जब ख़रीदी तो मैंने थोड़े बहुत ही, मैंने शायद इसका भी शायद पार्ट वन ही पढ़ा है, पर काफ़ी अच्छी लगी मुझे बुक। इसके डायलॉग्स हैं इसमें, काफ़ी मोटी बुक है पर बढ़िया बुक है, आप ये ख़रीद सकते हो बुक। ये सारी बुक्स आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आते हैं शू में। तो जो ये शू है ये एयर जॉर्डन 4 ऑफ वाइट, ये मैंने शू ख़रीदा है स्वैगर हब से, जैसे मैंने आपको बताया है 2800 के आफ्टर शिपिंग। तो अगर आप उनसे बात करोगे तो हो सकता है आपको एक आधा डिस्काउंट भी मिल जाए 100-200 रुपये का, पर मुझे नहीं मिला। और इसमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, COD तो बिल्कुल भी नहीं करते ये। मैंने उनको बोला था कि भैया कर लो, आपके और ज़्यादा कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो प्री पे नहीं कर पाते, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि आप जो मर्ज़ी करो, अगर आपको ख़रीदना ख़रीदो, नहीं ख़रीदना कोई बात नहीं। तो इतना एरोगेंटली कौन बोलता है भैया, मैं तो बस सजेस्ट कर रहा था, पर ठीक है छोड़ो। और ये वो शू है, तो शू में आते हैं। पहले तो मैं आपको बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। बॉक्स ऑफ वाइट का बॉक्स है, सब जगह आपको विंडोज़ मिल जाएंगी। जैसे आपने पहले भी देखा होगा शायद, मैंने पहले भी ये रिव्यू कर दिया था शू। यहाँ पर आपको सब जगह विंडोज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर ये प्लास्टिक की शीट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे सब जगह स्टिकर है, यहाँ पे दिया हुआ है, पीछे की साइड पे भी विंडोज़ हैं। नीचे आपको जॉर्डन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जॉर्डन और नाइकी की। अब डायरेक्टली शू में आते हैं, मतलब शू में क्या आते हैं, पहले मैं आपको बॉक्स का कंटेंट बता देता हूँ। बॉक्स के अंदर बस एक ये पेपर है जॉर्डन 23 नंबर का, जो बिल्कुल गलत है, प्लास्टिक का होना चाहिए था ये। और शू है, शू के बाद और कुछ भी नहीं दिया हुआ है शायद, नहीं और कोई एक्स्ट्रा लेसेस भी नहीं दिए हुए इसमें।
बस शू है। तो शू में आते हैं और शू काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में, ये बढ़िया लगा, मतलब चीज़ें ठीक हैं इसमें शू में, जितना अभी तक देखने में लग रहा मुझे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये की चेन एयर जॉर्डन की, ठीक है। और यहाँ पे टो बॉक्स में आपको, मतलब अगर आप देखोगे ओरिजिनल का मटेरियल और इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें बहुत ही सॉफ्ट सा कोई प्लेदर यूज़ किया हुआ है, स्वेड होना चाहिए था पर ये अजीब सा, न्यूबक होना चाहिए था सॉरी, पर ये अजीब सा कुछ लेदर अजीब सा ही दिया हुआ है। इसमें हल्का सा ज़्यादा सामने से आप जाके देखोगे तो कुछ कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं जो शायद इन्होंने न्यूबक को रिक्रिएट करने की कोशिश की थी। दूर से तो लगता है कि ये हल्का हल्का न्यूबक है पर आपको जब टच करोगे तो पता लगेगा कि ये न्यूबक नहीं है। आउटसोल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो कपिंग मिल जाएगी यहाँ पे, ये सारी की सारी एग्जैक्टली सेम ओरिजिनल की तरह। यहाँ पे फोम मिल जाएगा, स्क्विशी फोम, ये जो कप दिया हुआ है यहाँ पे और आगे रबराइज्ड ये जो दिया हुआ है, ये सारा का सारा ये फोम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आउटसोल में जो फोम यूज़ हुई है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ये एक ही चीज़ है, मतलब ये जो रबराइज्ड बनाया हुआ है ये सारी की सारी एक ही आउटसोल का पार्ट है, ठीक है। तो जो मिडसोल है इसकी वो फोम की है तो वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने रबराइज्ड मटेरियल यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे आपको एयर मिल जाएगा लिखा हुआ, काफ़ी क्रिस्प है, कोई स्मजेस नहीं है, एयर पॉकेट भी अच्छी दी हुई है, लग रही है फंक्शनल होगी, अब पता नहीं बाकी पहन के पता लगेगा। और टंग की साइड पे आपको मैश का केज मिल जाएगा, वैसे ही आपको साइड में भी केज की विंडो मिल जाएगी दोनों साइड पे ही। और यहाँ पे आपको ऑफ वाइट की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी अंदर केज के लिखी हुई, अब पता नहीं मैं मुझे ये कैसे दिखाऊँ आपको, पर हाँ यहाँ पे आपको ढंग से शायद दिख नहीं रहा होगा पर ये पूरा अच्छे से अंदर लिखा हुआ है ऑफ वाइट का, ऑफ वाइट फॉर नाइकी एयर जॉर्डन 4 बेवर्टन ओरेगन 1989। तो पूरा एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे होना चाहिए ओरिजिनल में, पर इसके मुझे लग रहा है कि मैश के अंदर अभी मुझे साफ नहीं दिख रहा, पर शायद पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकते, सही है ठीक है चलो छोड़ो इसको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे आपको विंग्स मिल जाएंगे प्लास्टिक के, प्लास्टिक सिलिकॉन रबर जो भी है, ये सिलिकॉन ही है शायद ये, और पीछे भी सिलिकॉन का ही मटेरियल दिया हुआ है ये सारा का सारा। और यहाँ पे आपको ये जो मिल रहा है नाइकी एयर का टैब सिलिकॉन वाला, इसके बैक साइड में आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये ब्लैक ही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नीचे आपको मिल जाएगा ये सारा न्यूबक वाला मटेरियल, मतलब न्यूबक नहीं है ये, इसको फेक लेदर ही बोल लेते हैं, तो ये लेदर में है, ये मिल जाएगा प्लास्टिक लेदर जो मर्जी बोलो आप इसको। और ये है इसकी सॉफ्ट आउटसोल, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब मुझे लगता है ये शू काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि एक तो यहाँ पे एयर यूनिट मिल जाएगा आपको और एयर यूनिट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फोम वाली आउटसोल भी है। और अगर अंदर की बात करें शू की तो पैडिंग बहुत बढ़िया दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्क्विशी है, पैडिंग अच्छी है, टंग पतली है पर ठीक है, अच्छी बनाई है आगे से टंग। अब ये नहीं पता कि इसमें कैसा बनाया है ये जो लोगो है आगे फ्लाइट का लोगो, ये लोगो अच्छा, इन्होंने इसके ऊपर ही प्रिंट कर दिया टंग के ऊपर, उसके ऊपर बस एक नियोप्रिन की शीट सी चिपका दी है, मतलब स्टिच की है, ये इस पर नहीं बना हुआ। अब ये एक बार मैं ओरिजिनल में देख लूँगा कि ये कैसा था, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ओरिजिनल में ये ऐसे ही होना चाहिए था कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था। और शू लेसेस इसके फ्लैट शू लेसेस, सिंगल लेसेस ही आए हैं इसके साथ, और भी मिलते हैं, मतलब ये मिंट कलर जो नीचे दिया हुआ है ऐसे मिलते हैं इसके साथ शू लेसेस, और भी मिलता है शायद ब्लैक कलर के मिलते हैं मुझे याद नहीं है, पर इसके साथ बस एक ये सिंगल क्रीम कलर के मिले। और इसमें यहाँ पे शू लेसेस लिखा हुआ है बहुत ही बेकार फॉन्ट के साथ, स्मजेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें, पर ठीक है कोई बात नहीं, शू लेसेस। और ये वैसे भी अंदर को ही चले जाते हैं पैर के, तो ये वैसे भी नहीं दिखता अंदर। अगर देखा जाए तो टंग के साइड में यहाँ पे शायद आप देख नहीं सकते, पर आपको यहाँ पे ये इलास्टिक मिल जाएगी, ये वाली इलास्टिक,
जो आपको ग्रिप करके रखती है आपके पैर को, और टंग भी इधर उधर नहीं खिसकती, नीचे ऊपर नहीं होती, तो ये काफ़ी बढ़िया शू है। इसमें आप चाहो तो स्केटबोर्डिंग भी कर सकते हो, बास्केटबॉल शू है, पर स्केटबोर्डिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। पर क्योंकि ये फेक शू है और स्केटबोर्डिंग अगर आप इसमें करोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ से जाएगा शू, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से शू, क्योंकि ये मटेरियल ओरिजिनल नूबक नहीं है। नूबक होता तो बहुत बढ़िया होता, पर ये नूबक नहीं है तो इसमें आप क्या ही खेलोगे। बास्केटबॉल के लिए शायद फिर भी ठीक होगा। बाकी मैं एक बार आपको ऑनफिट आपको दिखा दूंगा कि कैसे है, और मैं आपको बता दूंगा कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल इसका मटेरियल ये पूरा नूबक वाला भी ठीक है, मतलब काम चलाऊ ठीक है। यहाँ पे आपको शू शू केज मतलब लेस केज में यहाँ पे मिल जाएगा ये रब सिलिकॉन वाला मटेरियल, रबराइज या सिलिकॉन जो भी है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। इसका एयर बबल एयर पॉकेट मुझे तो सही लग रहा है, ट्रांसपेरेंट है और सी थ्रू भी आसपास का दिख रहा है मुझे। इसके नीचे अगर आप इसकी आउटसोल देखोगे, ये पूरा ट्रांसलूसेंट क्रीम कलर में मटेरियल है, रबर है, ये पूरा रबराइज्ड है वाइट कलर में, मिंट में नाइकी और इसका स्वूश है, स्कूश कह रहा हूँ, स्वूश है, और ये मिंट कलर में ही है। यहाँ स्टार बिल्कुल सही है बनाए हुए, पैटर्न बिल्कुल बढ़िया है इसके। और यहाँ पे भी आपको ये जितना भी आगे फ्रंट में बम्पर मिल रहा है टो बॉक्स का, ये भी सारा नियोप्रीन है प्रोटेक्शन के लिए, बढ़िया है ये भी। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा अंदर इसके पेपर है अभी, एक सेकेंड। तो हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे जाके वापस ही नहीं ऊपर आ रहा, तो इसका इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है शू की। प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगा शू, आगे स्टिचिंग भी की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिच्ड है प्रॉपरली, तो ये चीज़ भी नहीं निकलेगी आपकी, अगर ग्लू हल्की सी निकलनी स्टार्ट भी होती है तो भी ये बचा रहेगा शू। पर मैं बोलूँगा कि आप इसको पानी में बहुत ज़्यादा मत पहनिए, क्योंकि जितने भी ये सॉफ्ट फोम वाले शूज़ होते हैं ये किसी ना किसी टाइम पे आके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिससे ये क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे शूज़ को पहनते रहिए ड्राई कंडीशंस में, बर्फ़ में, बारिश में मत पहनिए, बाकी सही रहेगा शू। और ये शायद साफ़ करना भी इजी होगा अगर ये गंदा होगा तो। इनसोल भी इसकी रिमूवेबल है, और ऐसी सोल है इसकी, इसमें आर्च सपोर्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये कैसा सा आर्च सपोर्ट है इसका, पर ठीक है, फोम की आउटसोल है और थिक है, काफ़ी थिक है, ठीक है मतलब प्राइस के हिसाब से। और अगर आप चाहो तो अपनी खुद की इनसोल भी डाल सकते हो इसके अंदर, आप अच्छी क्वालिटी की इनसोल ख़रीद लीजिए, उसको डाल लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। और इसके अंदर आप देखोगे अगर तो जो सॉक लाइनिंग है वो कॉटन की नहीं है, ये पॉलिएस्टर की है, पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर में होना चाहिए था एयर जॉर्डन, पर इसमें रेड दिया हुआ है। अब ये रेड ही है ना, हाँ ये रेड ही है, आप देख सकते हो रेड में है एयर जॉर्डन। और ये अंदर से जो टंग का मटेरियल है ये भी सारा क्विल्टेड पॉलिएस्टर में है। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो तो आप मेरे निर्वाणा गुड्स वाले पेज में जाके मेरे को फॉलो कर लीजिए, और मैं ये मार्च या अप्रैल में जाके आपको बेच दूंगा, किसी ना किसी को बेच दूंगा ये। तो ये था शू, और ये मैं आपको ऑन फिट भी दिखा देता हूँ कि कैसा ये है ऑन फिट, और इसका कम्फर्ट कैसा है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। शू तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से भी कंफर्ट इसका ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है ऑन फीट, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लीजिए। ये सेलर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके इनको बोल सकते हो कि शू खरीदने को, और इनके पास और भी बहुत सारे दूसरे शूज़ हैं, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आपको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना इनसे कोई बात नहीं, आप किसी और सेलर के जाके भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, पीस।